अभी तक आपने विजयादशमी पर खड़े रावण के पुतले का दहन होते देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इस बार विजयादशमी का कुछ अलग अंदाज देखने को मिलेगा। आर्थिक राजधानी में इस बार खड़े रावण का नहीं बल्कि सिंहासन पर बैठे रावण के पुतले का दहन होगा। रेडीमेड रावण के पुतले निर्माण करने वाले जयंत साहा रावण वाले ने अलग तरह के रावण के पुतले का निर्माण किया है, जो अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर स्थित सिंहासन पर विराजे इस रावण के पुतले को निहारने के लिए राह चलते लोग इस अनूठे रावण को देखने आ रहे हैं। दरअसल लोगों ने हमेशा से खड़े रावण के पुतले को ही दहन होते देखते आए हैं, लेकिन इस बार विजयादशमी पर उन्हें सिंहासन पर बैठे रावण के पुतले का दहन देखने को मिलेगा। रेडीमेड रावण बनाने वाले जयंत साहब रावण वाले ने बताया कि इस बार 3 फीट से लेकर 51 फीट तक के रावण के पुतले का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कीमत 1100 से लेकर 1 लाख तक रहेगी। रावण के पुतले का निर्माण करने वाले जयंत साहब रावण वाले ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से रावण का निर्माण किया जा रहा है। देखो साहब, रावण जो है वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि परम भक्त भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त हैं, और हमारे हिंदू समाज में इनको ब्राह्मण के रूप में पूजा जाता है। तो हम रावण की तो देखो, हम वेदनाथ धाम भी हो क्या है जहाँ शिवलिंग भगवान का रावण ले गए थे। तो रावण जो है, रावण के बारे में जो लोगों ने गलत भावनाएं बनाए रखी हैं, सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि रावण जो है भोलेनाथ के परम भक्त हैं। मैंने इनका मंदिर देखा, परदेसीपुरा में इनका मंदिर है, गौर साहब उनका नगर नियम में गौर साहब है, बाकायदा इनकी पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं। मैं मंदसौर में देख के आया, मंदसौर में भी इनको बड़े अदब से और बड़े उससे बोला जाता है, वहाँ के जमे ही हैं ये। तो हम तो ये चाहेंगे कि रावण जी हिसाब से आज रावण जी को हमने देखा है सिंहासन पे, हम तो ये चाहेंगे कि जो भी है इनका जो इनका स्वरूप है रावण जी का, वो वापस दुनिया के सामने आना चाहिए। क्योंकि रावण ने कोई गलत काम नहीं करा है। जो रावण को तुम जबरन का एक गलत धारणा के हिसाब से तुम रावण का जो करते हो, उसकी निंदा तो मैं भी करता हूँ। इस बार रावण में नया स्वरूप देखने को मिला है। हमेशा रावण को खड़े होकर पुतले को दहन वो गलत है। इस बार नया कुछ आया है कि बैठा के सिंहासन, हाँ सिंहासन में बिठा के इसलिए आया है साहब कि देखो, 2 साल से लोग करुणा चल रही है। आप करुणा क्या होता है इससे हर जनता समझ गई, पढ़ा लिखा भी समझ गया है, नॉर्मल आदमी समझ गया। तो लोग क्या वापिस धर्म की रोड़ आ गए। रावण ने कोई गलत काम नहीं करे हैं। रामायण जी मैंने पढ़ी है, रामायण जी में क्लियर लिखा हुआ है रावण ने कोई गलत काम नहीं करा है। 15 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी पूरे देश भर में, इसको लेकर इंदौर में भी रावण निर्माण का कार्य आप मेरे पीछे देख सकते हैं शुरू हो चुका है, और 3 फीट से लेकर 21 फीट तक के रावण का निर्माण जैन रावण द्वारा किया जा रहा है, जिसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह के रावण के पुतले दिखाए गए, रखाए गए हैं, सजाए गए हैं। चूँकि इंदौर में कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार रावण का निर्माण किया गया है, संचालक जो रावण के निर्माता है उनसे चर्चा करेंगे इस बार क्या खास रावण के पुतले में है और कोरोना की गाइडलाइन को किस तरह से ध्यान में रखते हुए इस बार के रावण निर्माण किए गए हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है रुपेश जैन, जैन साहब रावण वाले। रुपेश जी, इस बार बताइए रावण में क्या विशेषता है और कोरोना को लेकर किस तरह के विशेष रावण बनाए गए आपके द्वारा? कोरोना के हिसाब से जो अभी गाइडलाइन तो कोई जारी हुई नहीं है, पर कॉलोनियों के हिसाब से जो 2 फीट 5 फीट 8 फीट 12 फीट 15 फीट तक के रावण जो कॉलोनी के लोग ले आ रहे हैं दहन करने वाले, वो तो सालों से ले आ रहे हैं और सालों से चल रहा है। बस जो 51 फीट 71 फीट के जो रावण के ऑर्डर आते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, वो रावण नहीं बन रहे हैं। इसके कारण हमारे छोटे रावणों में अब की बार इजाफा है। चलिए, इस बार छोटे रावण में जरूर इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बार क्या खास रहा है रावण में? आप बताए थे कि सिंहासन वाले रावण भी आपके द्वारा निर्माण किया, जो कि चर्चा का विषय बना हो, क्या खास है उस रावण की? उस रावण को हमने खड़ा करने की जगह अब की बार सिंहासन पे पूरा इस तरीके से बिठाया है कि रावण ओरिजिनल में रावण कैसा बैठता था और सिंहासन पे बैठने के बाद कैसा लगता है, उस रावण में उस रावण पूरा ओरिजिनलपन दिख रहा है। आप एक बार देख करके जरूर उसे देखें। ये कहाँ पर इसका दहन किया जाएगा इस रावण का? मालवा मिल चौराहे। इस बार कोरोना की जो गाइडलाइन तहत है, जो 21 फीट 51 फीट की आप बात कर रहे हैं, चूँकि शहर के अन्य अन्य क्षेत्रों से भी आपके यहाँ पर रावण की डिमांड होती है, तो कहाँ कहाँ से आपको डिमांड आ रही है रावण को? मऊ से आती है, पीतमपुर से आती है, अपने देवास से आती है, आप निरंजनपुर चले जाइए,
बहुत से ऐसी ऐसी कॉलोनियां हैं जहां जाते हैं हमारे रावण। अधिकतर इस बार निर्माण जो संयोजक आयोजक है वो नहीं करके रेडीमेड पे भरोसा कर रहे हैं, रेडीमेड पे भरोसा कर रहे हैं कि गाइडलाइन अगर दो दिन बाद भी जारी होती है तो छोटे रावण का दहन किया जाएगा बड़े रावण की जगह। जैसा कि आपने देखा कि इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए रावण में भी कमी जरूर देखी गई है। हालांकि इस बार जो छोटे रावण हैं उसमें खरीदी और उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लोगों को देखने को मिल रही है। इंदौर से जितेंद्र चौहान, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।